हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सराज स्टूडियो टेक्स में। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों सॉलिड के 6105 सेट टॉप बॉक्स और सॉलिड का 9048 सेट टॉप बॉक्स, जिसमें चैनल्स को ब्लाइंड स्कैन और ऑटो स्कैन कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे को मेनू बटन दबा के टूल्स में आना है। टूल्स में आके हमारे को राइट साइड में आके फैक्ट्री सेट के ऊपर आना है। ये देखिए फैक्ट्री सेट के ऊपर आके हमारे को ओके करके यस के ऊपर आके ओके कर देना है। तो हमारा सेट टॉप बॉक्स फैक्ट्री सेट हो जाएगा, जैसा कि कंपनी से नया आया वैसा हो जाएगा। उसके बाद में हमारे को वापस लेफ्ट में आके, जो कि ऊपर में इंस्टॉलेशन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आके हमारे को चैनल को स्कैन करना है। तो हमारे को सेटेलाइट लिस्ट में आना है, उसमें आके सेटेलाइट सेलेक्ट करना है हमारे को। तो ये वन नंबर सेटेलाइट मैंने डिलीट कर हटा दिया है, टू नंबर भी हटा दिया है, थ्री नंबर ऐसे ही रखना है और फोर नंबर को भी मैंने हटा दिया है। उसके बाद में हमारे को इस सेटेलाइट को सेव कर देना है और उसके बाद में एंटीना सेटिंग में आना है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने सेव किया है सेटेलाइट, वो SS-3 वो SS-1 है। LNB फ्रिक्वेंसी हमारे को इधर चेंज करना पड़ेगा, जो कि KU बैंड का फ्रिक्वेंसी अलग होता है। तो इधर हमारे को यूनिवर्सल 9750 10600, जो कि KU बैंड का फ्रिक्वेंसी है, वो हमारे को इसमें सेव कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने ये सेव कर दिया है। तो उसके बाद में हमारे को ओके करके इसको सेव कर देना है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि TP लिस्ट में नीचे जाएंगे तो उधर चेक करेंगे कि अभी हमारा फ्रिक्वेंसी इसमें कौन सा ऐड है और सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं TP लिस्ट में ओके किया तो ये आप फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं, जो कि पुरानी फ्रिक्वेंसी है, जो हमारे को नहीं ऐड करनी पड़ेगी थी। हम ऊपर सिंगल सेटेलाइट सर्च में जाएंगे, इधर आके हम ओके करेंगे तो हमारा सेटेलाइट जो सेम रहने देना है, SS-3 FT ओनली यस करना है। और नीचे स्कैन मोड पे आके हमारे को ऑटो स्कैन की जगह ब्लाइंड स्कैन करना है और उसके बाद में सर्च के ऊपर आके ओके कर देना है। तो ओके करते ही हमारा सेट टॉप बॉक्स ब्लाइंड स्कैन या ऑटो स्कैन मोड में चला जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा सेट टॉप बॉक्स ब्लाइंड स्कैन हो रहा है और इसमें आप देख सकते हैं सेटेलाइट SS-3 जो कि मैंने सेव रखा था वो अभी शो कर रहा है और LNB भी फ्रिक्वेंसी भी नहीं हो रही है और चैनल भी स्कैन हो रहे हैं। और आप नीचे परसेंटेज देख सकते हैं, 17% कंप्लीट हो चुका है। 31 चैनल्स TV चैनल्स आ चुके हैं और रेडियो चैनल्स भी आएंगे, 48 चैनल्स कुछ रेडियो समथिंग आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 87 TV चैनल्स और 48 रेडियो चैनल भी हो चुके हैं। 43% हमारा कंप्लीट भी हो चुका है और अभी देखिए आप 63% हो गए। ये 100% जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारे को वेट करना पड़ेगा। तो कितने चैनल्स आते हैं हम देखते हैं दोस्तों इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें TV चैनल्स 184 चैनल्स स्कैन हो गए हैं और रेडियो चैनल्स 54 चैनल्स रेडियो चैनल्स भी हो चुके हैं और इधर 92% कंप्लीट होने जा रहा है। तो हमारा सेट टॉप बॉक्स अभी 100% कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे को यस करके पूछ रहा है तो हम 186 ये हो गया है TV चैनल्स और रेडियो चैनल 55। तो हमारे को सेव करके ओके कर देना है। तो मैं सेव कर लेता हूँ इसको, तो आपको बता दूंगा रिमोट में सेव करने के लिए कौन सा बटन हमारे को दबाना चाहिए। तो ये देखिए सॉलिड सेट टॉप बॉक्स का 6105 जो सेट टॉप बॉक्स है या 9048 सेट टॉप बॉक्स है, उसका ऐसे इस टाइप का रिमोट आता है। तो इसमें ये ओके बटन है, तो ये ओके बटन दबा के आप जो चैनल स्कैन हुए हैं उसको सेव कर लेंगे। तो ओके कर दिया तो ये इस टाइप का मेनू ऑप्शन भी अभी आएगा, जो अभी हम इस मेनू से बाहर नहीं आए हैं। तो हम इसमें रिमोट में एग्जिट बटन दबाएंगे जब तक हम बाहर कंप्लीट नहीं आ जाते हैं। तो एग्जिट बटन दबाया तो हम एग्जिट बटन दबा के मैं बाहर आ गए हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल स्कैन हुआ है 186 चैनल शो कर रहा है और सारे के सारे चैनल चल भी रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने सेट टॉप बॉक्स को ब्लाइंड स्कैन या ऑटो स्कैन कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया। और अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना